वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं पिलाई का ब्रेकअप हो गया और ये वीडियो है बाय अहमद खान और उनका पॉडकास्ट स्पेशल यही है। तो इसके पहले हमने देखा था उज्मी एंड बरकत, ये इन दोनों का पॉडकास्ट ऑन द अहमद खान पॉडकास्ट। और बहुत सारे इसके नीचे कॉमेंट्स थे कि ये टिकटॉकर वाला जो है जो नया आया है तो उस पर हमारा रिएक्शन हो जाए। तो टुडे वी आर हियर विद इट और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वाले भी जो एपिसोड है ना वो भी बहुत मीम्स वायरल हुए हैं यार। सो लेट्स सी हाउ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लाओ हाथ दो। ये लो हाथ दिया। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? हाँ। तेरा कोई नहीं। तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं। क्या मांगोगी मोदीखाई में? मोदीखाई में मैं इससे 5 लाख मांगूंगी। है 5 लाख? एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। हाँ सर, आज हमारी स्वागत है, तुम कितनी खुश हो बताओ। आप भी ना बड़े शरारती हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। तू क्या देख रहा है हमारी स्वागत में? मैं टिकट लिया हुआ। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पॉडकास्ट में हल्ला गुल्ला होता है, हंसी मजाक, हम एक दूसरे पे झुकते मारते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है पॉडकास्ट का वो बहुत सीरियस है। आज हमारे पास जो कपल है वो वर्ल्ड फेमस कपल है, द वन एंड ओनली 3-2-1 पिल्ले सहर। मुझे बताया कि आप दोनों की लड़ाई क्यों चल रही है फेसबुक पे इतनी ज्यादा? मैं क्लिप्स देख रहा हूँ, आप इन पे गुस्सा हो रही हैं या आप पे गुस्सा हो रहा है, ये फड्डा है किस चीज का? भाई इसने मुझे बोला था प्रपोज से पहले मैं तुम्हें आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा। अरे मेरा बच्चा, एक चीज सही जगह लगी हुई, उसको क्यों तोड़ रही हो? तुम इसको जावेद की निहारी खिलाओ ना। जावेद की निहारी तो यार खिलाता रहता हूँ और कितना खिलाओ, अब इसकी जिद हुई भी है, बोली है कि मेरे को चांद तारे तोड़ के लाके दे। इसको बोला ना ये मुझे आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके दे, जब इसने बोला तो लाके देगा तो क्यों नहीं लाके दे रहा? अरे मेरा बच्चा, जिस तरह की इसकी सेहत है अभी तो ये बाजार से दही भी नहीं ला सकता। तुम खर्चा नहीं करते हो इस पे? खर्चा इतना करता हूँ यकीन कर, इस पे खर्चा कर करके यकीन कर कंगाल हो गए हो अहमद भाई, क्या बताऊँ। अच्छा तुम इतना खर्चा कर चुके हो उस पे? जब इसने मुझे प्रपोज किया था ना तो इसमें बड़ा करंट था यार। करंट था उस, जब इसको मैंने प्रपोज किया था। हाँ। उस जमाने में मेरा करंट बहुत था। अभी तुम महंगाई तो देखो, अभी मेरी खुद पीएमटी फट गई है यकीन करें मत। नहीं सही बात है, करंट कैसे आएगा जब उसका खंबा ही बैठ गया? नहीं मतलब जो गली का खंबा है वो बैठ जाता है और सबकी लाइटें जा रही है यार। लाइटें बहुत जा रही है। कहाँ मिले पहले आप दोनों? सबसे पहले कहाँ मिले? हम लोग मिले निशाने पाकिस्तान में। कहाँ? निशाने पाकिस्तान में। निशाने पाकिस्तान में? हाँ, ये पारा के सीवीओ के पास। अच्छा। हाँ तू क्या कर रहा था सीवीओ के पास? सीवीओ तो मैं असल में ना तनवीर भाई के साथ गया था ना। तनवीर भाई के साथ? हाँ। गया था। वो अजाब है ना, मेरे को तनवीर भाई ने अजाब दिया। अच्छा आप किसके साथ आई थी वहाँ पे? क्या कर रही थी? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। अच्छा फैमिली के साथ आई घूमने के लिए, एंजॉय के लिए। ये रिलेशनशिप में आने से पहले इतना मशहूर था या आपके नसीब ने इसको इतना मशहूर किया? मेरे नसीब ने करा है। देखो भाई है ना, सारा क्रेडिट ले गई। देखो तुम बिल्कुल उसको पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, उसके हुकूक नहीं निभा रहे हो। बेटा अगर आपको इससे इतनी शिकायत है तो फिर आप इसको छोड़ दो। नहीं इसको छोड़ कैसे सकते हो, तो मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। अगर मेरे लिए शाहरुख खान का भी रिश्ता आ जाएगा ना मैं उसको भी ठुकरा दूंगी इसके लिए। शाहरुख खान का रिश्ता आ जाएगा तो आप इसके लिए शाहरुख खान को भी ठुकरा दूंगी? सबको ठुकरा दूंगी। अरे इस बच्ची पर सिपली है भाई, जादू है। जादू? जादू नहीं है, क्या हो गया अहमद भाई यार? जादू हुआ है आप पे? किसी ने कोई दुश्मन है आपका? दुश्मन? कोई गुड़िया बुड़िया मुड़ी है आपकी? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं मतलब इतना प्यार? वही तो। क्या देख के प्यार हुआ है? क्या देखा आपने मुझे बताएं? कोई एक ऐसी चीज बताएं कि आप बोले मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आई है, कहीं आपको इसकी शोहरत से प्यार तो नहीं है? मुझे इसका वो पसंद आया, ये बोलता ना 3-2-1 पिल्ले, वो पसंद आया मुझे। अच्छा 3-2-1 पिल्ले आपको पसंद आया? तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं, भगा के ले जाऊंगा घर वाले, घर वालों को बोल। घर वाले क्या बोले? किसी कुत्ते से कर ले। अच्छा सही बोले घर वाले। अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप मतलब शादी करें
और अगर घर वाले ना माने, अल्लाह ना करे, हाँ, तो क्या आप भगा के ले जाओगे क्या? मैं इसको भगा के ले जाऊंगा घोड़े पे, उतना गधे पे ले जा ना, तू खुद ही चले जा। नहीं नहीं यार, मेरी तो दुआ है कि आप लोगों की लव स्टोरी बने, आप दोनों की शादी हो, प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हो, उन बच्चों की तरबियत करो अच्छे तरीके से। अच्छा। हम तो ये चाहते भाई, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरबियत तो मैं ऐसे करूंगी कि मेरे बच्चे इसको मामू बोलेंगे। मामू क्यों बोलेंगे? मामू नहीं बोलेंगे। नहीं, अरे मामू तो लड़की का भाई होता है, ये तो आपकी जान है। अच्छा, भाई को बोलते? मुझे नहीं पता। ये तो आपकी जान है, ये तो आपकी जिंदगी है यार, लानत है ऐसी जिंदगी पे। अच्छा फर्ज करो, तुम्हारे घर वाले मान गए शादी के लिए, तुम्हारे घर वाले जो नहीं मान रहे, अच्छा। तुम्हारे घर वाले अगर मान गए शादी के लिए, तुम लोगों की शादी हो गई, समझ रहे हो? घूंघट उठा रहे हो तुम, घूंघट मुंह दिखाई में, क्या क्या मांगोगी मुंह दिखाई में? मुंह दिखाई में मैं 5 लाख मांगूंगी। हैं? 5 लाख? एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। 5 लाख रुपए बहुत है अहमद भाई, मुंह रहने ही दे भाई। मुंह रहने दे? हाँ ना, मुंह देखना ही नहीं है ना, बाद में देख लेंगे। क्या मतलब? मतलब पहले 5 लाख रुपए जमा करेंगे ना, शादी तो बाद में करेंगे ना, मुंह दिखाई के लिए फिर। अच्छा, यानी मुंह दिखाई के पैसे नहीं है 5 लाख, तो आप अपनी शादी आके ले जा रहे हो? जी। जब 5 लाख जमा होंगे तब शादी करोगे? तब शादी करेंगे, जाहिर ही है भाई। नहीं ना, एक काम करो ना, सिर्फ फर्ज कर लो, फर्ज कर लो आपकी सुहागरात है, शादी हो गई, हॉल में खाना वाना खा के सब फारिग हो गए, आप लोग अपने घर आ गए बारात से, मुंह दिखाई भी हो गई, अब आगे मतलब किस तरह सेलिब्रेट करोगे? मतलब यार मैं आपकी रिहर्सल करा रहा हूँ, क्योंकि ये खुशी के दिन आपने देखने आगे। फर्ज करो भाई, आप क्या कहते हैं, दुल्हन बन के बैठी हुई और तू दूल्हा है, अब किस तरह घूंघट उठाएगा, क्या करेगा? ऐसे सुहागी रात। हाँ सर, हाय, हमारी सुहागरात है, तुम कितनी खुश हो बताओ? आप भी ना बड़े शरारती हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। तू क्या देख रहा है हमारी सुहागरात में? मैं टिकट लिया हुआ। तो तेरे को ऐसा चमार दूंगा, टिकट लिया हुआ इसके काम देख। मतलब मैंने जो ये सीन क्रिएट किया है ना, इसका मैंने टिकट लिया हुआ, मेरे पॉडकास्ट में आया, मैंने इसका टिकट दिया हुआ तुम्हें। ये है ना, कौन कौन से टिकट लेके बैठा हुआ इसके काम देख। नहीं मैं कह रहा हूँ जल्दी शादी कर लो भाई। क्यों? शादी कर लो। आमद आ रही है? नहीं नहीं, शादी कर लो, गर्मियाँ आ रही हैं, नहीं तो ये सड़ा बाम भी नहीं मिलेगा फिर। परपोज पहले किसने किया, आपने किया क्या? आपने किया? अवेज ने। तुमने प्रपोज किया? प्रपोज मैंने नहीं किया, प्रपोज इसने किया, पूछ लो। तुमने किया? झूठ नहीं बोला। किसने किया? देख लो। अवेज ने किया है। चलो मैंने किया बस। अच्छा क्या बोला? इसने प्रपोज किस तरह करा? डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया? डायरेक्ट आई लव यू। मैंने कहा मिल गई तो लाल है, वरना वही फकीर वाला हाल है। हाँ, वरना वही फकीर वाला हाल है। आपका ये पहला लव है? हाँ मेरा पहला लव है। आखिरी है? पहला और आखिरी है। अच्छा, पहला और आखिरी है। वो देखेंगे। शादी भी बहुत जल्द करोगे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। बहुत जल्दी शादी। कमा तो ये बहुत अच्छा रहा है, मनुष्य बता नहीं रहा। अबे हम कोई इनकम टैक्स वाले, हमें तो बता दे कितना महीना कमा रहा है, मुझे सच सच बता दे। महीना? सुन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये सारे यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं। 5 लाख, 6, 7। बगैरत 7 तो मेरे मुश्किल से होते हैं। 8? नहीं। 9? 50,000। 50,000 तूने नहीं बोले? 50,000 लाख से आया ना बेटा। मैं तुझे एक सच बात बताऊं, टिकटॉक लाइव पे जो तूने अन्नी वारी भी है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि तुझे कितने शेर पढ़ रहे हैं, कितने दिल पढ़ रहे हैं, कितने फूल पढ़ रहे हैं। मैं ये तुमसे अपने पैसे छुपा रहा है, ये तकरीबन कुछ नहीं, 3 लाख महीना कमा रहा है। शहर को पहली दफा देखा तो तेरे दिल में गिटार बजी थी? मेरा दिल, ओए होए क्या बताऊं हेमंत भाई, एंजॉय में घूम रहा था। अच्छा मतलब तेरे दिल में गिटार बज रही थी? वीआईपी यकीन का, मैं फुल आसमानों पे घूम रहा था, सब गार्डन गार्डन लग रहा था, गार्डन है पूरा, वीआईपी माहौल हुआ था, वीआईपी माहौल हुआ था। हाँ। अच्छा सर, जब आप, अच्छा ठीक है, ओके। मुझे सच में ये बात तो पता है कि टिकटॉकर्स ना बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा, लाइक टिकटॉकर्स हो या इन्फ्लुएंसर्स हो जो डांस करते हैं या रील्स ऐसे वाले जो भी होते हैं ना, बहुत पैसा कमाते हैं। आई नो दैट, क्योंकि जब अश्नीर ने ना एक इंटरव्यू में बोला था और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया आफ्टर दैट टाइम। एक एक क्या बोलते हैं,
एड किया प्रमोशन के लिए वो लाखों में पैसे लेते हैं. I was like, भाई साहब हम कहाँ पीछे रह गए यार. और एक बात यहाँ पे ये इन दोनों का एक्चुअली मतलब तारीफ हो रही है यहाँ पे, ये बेइज्जती करने के लिए बुलाया है पॉडकास्ट में, यही समझ में नहीं आ रहा. और इतना मरने के लिए उनमें क्या है, वो उसका नाम पिल्ले है ना, इतना मरने के लिए क्या है यार, इसे क्या है अदाएं हैं या क्या बोल सकते हैं, कुछ और है बता दो. हाँ और कभी कभी ना कॉमेंट्स ऐसे आ जाते हैं मुझे कि मेरे नाम पे टिकटॉक में, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है तो हम टिकटॉक नहीं चला सकते, तो मेरे नाम पे ना किसी और ने टिकटॉक वहाँ पे स्टार्ट किया और मैं इतनी लाइक फेमस हूँ वहाँ पे, ये बात मुझे पता ही नहीं है. अबे मैं टिकटॉक में कैसे देखूं ये मुझे भी पता नहीं. और बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं यार आप तो बेटे टिकटॉक में बहुत ज्यादा फेमस हो, इतने मिलियन मिलियन एंड ऐसे व्यूज आते हैं आपके. ये कमेंट सेक्शन में देखा मैंने, आई वाज लाइक क्या, मेरे खुद के मिलियन व्यूज नहीं आते, वाह भाई कौन चला रहा है यार मेरे से अच्छा. सच में है यार, और कोई है तो यार मेरे इंस्टाग्राम पे आके स्क्रीनशॉट भेज दो यार प्लीज, मुझे देखना है. सो ये पॉडकास्ट तो अच्छा था, लेकिन ये सेकेंड पार्ट ये सिर्फ थोड़ा स्टार्टिंग वाला ही देखा हमने, इसके बाद वाला भी है सीन तो देखे है ना. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट. थैंक यू.